चैनल, क्या आपकी स्किन भी मेरी तरह बाहर से आने के बाद डल ऑयली एंड डार्क नजर आने लगती है तो ऐसा पॉसिबल है भी जब भी हम बाहर से घर आते हैं तो हमारी स्किन बहुत सारा पॉल्यूशन धूल मिट्टी face करती है कि हमारी स्किन की अपर लेयर पे धीरे धीरे करके इकट्ठा होता रहता है और जब हमारी स्किन से स्वेट या ऑयल निकलता है तो दोनों आपस में मिलकर हमारे फेस को डार्क कर देते हैं तो ये तो टेम्परेरी है इससे हमारी स्किन एक दिन में तो डैमेज नहीं होगी लेकिन इसके बाद अगर आप अपनी स्किन की अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो आपकी स्किन फिर डैमेज हो सकती है आपकी स्किन में ब्राउन स्पोर्ट पिगमेंटेशन फ्रैकल्स मीलिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना थ्री स्टेप इवनिंग स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ जो कि टोटली नेचुरल है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन प्रेस कर लेना और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कर देना तो सबसे पहले मैं अपने कपड़े चेंज करूंगी टेंटन तन तो हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए और ओवर साइज कपड़ों में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ ये ब्रीथेबल होते हैं और हमें बहुत सुकून मिलता है तो सबसे पहले हमें अपना मेकअप रिमूव करना मेकअप में जो भी फाउंडेशन बेबी सीसी क्रीम या फेयर एंड लवली या पाउडर जो भी आप अप्लाई करके बाहर गए थे उसे अपने चेहरे से पूरा साफ़ कर देना है आप चाहो तो कोकोनट ऑयल या फिर गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी कॉटन पैड पे या फिर आप वेट वाइप से भी अपने मेकअप को क्लीन कर सकते हो तो मैंने पूरा मेकअप रिमूव कर दिया है अब हम फॉलो करेंगे स्टेप नंबर वन यानी कि फेस क्लिनजिंग या फेस वॉश जो कि हम डी फॉलो करने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है करीब सात से आठ टेबल स्पून और उसमें मैं ऐड करूँगी टू टेबल स्पून जिंजर पाउडर जो अदरक होता है आप उसे ड्राई करके और जब वो पूरा ड्राई हो जाए तो आप इस तरीके से पाउडर बना सकते हो अदरवाइज ये पाउडर आपको बाहर मार्केट में आराम से मिल जाएगा तो मैंने यहाँ पे टू टेबल स्पून जिंजर पाउडर ऐड कर दिए है उसके बाद मैंने वन टेबल स्पून इसमें टर्मरिक ऐड की थी जो क्लिप मेरे से डिलीट हो गई थी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये जो येल्लो दिख रहा है ये हल्दी है और अब हम इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई पाउडर है तो आप इसे तीन से चार महीने तक स्टोर करके रख सकते हो ये एक एसिडीआई वाई है आप इसे एक एयर टाइट जार में स्टोर करके रखिए जिसमें बिल्कुल भी हवा या नमी नहीं जानी चाहिए तो ये ख़राब नहीं होगा तो मैंने तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है जो भी बेसन की गांठें थी उन्हें भी तोड़ के इक्वली पाउडर बना लिए अब मैं इसे इस जार में फिल कर दूँगी जो कि बिल्कुल एयर टाइट है इसका ढक्कन मैं इस तरीके से बंद करती हूँ कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और ऐसे ही मैं अपनी सभी डी को जार में स्टोर करके रख लेती हूँ अगर मुझे टैन हो या पिंपल है या मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन्हें यूज़ करती रहती हूँ एंड जिस तरीके से लोगों के पास ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं अभी मेरे पास बहुत सारी डी हैं <laughs> तो इस तरीके से आप भी स्टोर करके रख सकते हो एंड अब हमारा यहाँ पे डी आई वाई फेस वॉश या फेस क्लिनर बोलो बन के रेडी है जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं आपको वन टेबल स्पून से भी कम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में एक बाउल में सेपरेट करना है उसमें आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है आप चाहो तो गुलाब जल भी ऐड कर सकते हो अगर आपको सूट करता है तो उसके बाद इसको मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेना है इस तरीके से एंड देन आप इसे अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करोगी जैसे आप अपने फेस को क्लीन करते हो फेस वॉश के थ्रू तो इसमें हमने बेसन ऐड किया है यानी बेसन यूज़ किया है तो बेसन के बेनिफिट तो आप सभी जानते हैं कि हमारे फेस को लाइटन करता है फेस को क्लीन करता है एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है एंड जो भी आपके चेहरे पर डार्कनेस होती है डेड लेयर होती है उसे रिमूव करता है लेकिन इसमें जो हमने सेकेंड इंग्रेडिएंट यूज़ किया है जिंजर पाउडर वो बेसन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है घर आते वक्त आप क्या फेस करते हो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन सन या जो भी धूल मिट्टी होती है आपके आसपास तो इससे आपका चेहरा डैमेज होने लगता है आपकी सेल्स डैमेज होने लगती है फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारी स्किन लूज होने लगती है उस पर फाइन लाइन रिंकल दिखने लगती हैं जिसकी वजह से हम अपनी उम्र से ज़्यादा नजर आने लगते हैं तो जिंजर पाउडर आपको इन सबसे प्रोटेक्शन दिलाएगा साथ में सन टैन को भी रिमूव करेगा एंड थर्ड हल्दी यूज़ किए तो हल्दी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके चेहरे को जर्म से या फिर जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है पिम पल एक्ट ने उनसे प्रोटेक्ट करती है तो इसे पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है फेस को क्लीन करना है एंड देन फेस को वॉश कर लेना है और टॉवल से ड्राई कर लेना है अब हम फॉलो करेंगे अपना सेकेंड स्टेप यानी कि टोनर और टोनर को प्रिपेयर करने के लिए हमें पहला इन्ग्रीडियंट चाहिए गुलाब जल गुलाब जल वैसे तो डिस्टिल्ड वाटर होता है हर टाइप के स्किन के लिए सुटेबल है लेकिन अगर आपको नहीं सूट करता तो आप इसकी जगह खीरे का रस या फिर चावल का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो और क्वांटिटी आपको इतनी रखनी है कि ये सात से आठ दिन तक चल जाए तो मैंने यहाँ पे सिक्स से सेवन टेबल स्पून गुलाब जल लिए हैं उसमें मैं ऐड करूँगी वन टेबल स्पून से भी कम एप्पल साइडर विनेगर यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में और थर्ड इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करने वाले हैं एलोवेरा जेल अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश ऐड कर दीजिए अदरवाइज आप मार्केट का भी कोई यूज़ कर सकते हो एंड लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे फाइव से सिक्स ड्रॉप टी ट्री ऑयल अगर आपके पास है तो ऐड कर दीजिए अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं और ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर देना है स्पून के थ्रू बिकॉज हमने इसमें एलोवेरा जल ऐड किया है तो उसकी अलग से ही लम्ब दिखाई देती है अब हम इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में फिल कर लेंगे तो हमारे यहाँ पे डी टोनर रेडी है अब हमें इसे डायरेक्टली अपने चेहरे पे स्प्रे करना है जैसे आप अपना टोनर अप्लाई करते हो तो मैंने अपने इसे पूरे चेहरे पे स्प्रे कर लिया है हल्का सा मैं हैंड मसाज भी दूंगी जिससे हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है स्किन में इलास्टिसिटी आती है तो फाइन लाइन रिंकल रिड्यूस होती है और हमारी स्किन टाइट नजर आती है और अब हम फॉलो करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप जिसके लिए मैं यहाँ पे प्रिपेयर करी हूँ डी आई फेस ग्लोइंग सीरम इसको इस्तेमाल करने के बाद ना आपका चेहरा इस तरीके से ग्लो करेगा कि आप मार्केट वाला सीरम भूल जाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे बीट रूट यानी कि चुकंदर और ये बिल्कुल ताज़ा एकदम फ्रेश चुकंदर है मैंने इसे अच्छे से पहले वॉश कर लिया है अब मैं इसे पील कर लूँगी बीट रूट आपकी स्किन के लिए एक बहुत अच्छा फूड है बिकॉज इसमें ढेर सारे न्यूट्रिशन होते हैं इसमें आयरन जिंक कैल्शियम विटामिन ए विटामिन सी फैट फाइबर्स जो कि हमारी स्किन में कोलाइजन को बूस्ट करते हैं और हम यंग नज़र आते हैं तो मैंने यहाँ पर एक स्मॉल बाउल में थोड़ा सा कद्दू कस करके रेडी कर लिया और इसी तरीके से हमें गाजर को भी प्रिपेयर कर लेना है अगर आप गाजर नहीं ले रहे तो नींबू के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके यूज कर सकते हैं अब हम लेंगे एक कंटेनर जिसमें हम अपना सीरम प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले हमें ऐड करना है टू टेबल स्पून ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन बादाम ऑयल में विटामिन ई e पाया जाता है जो कि आपके चेहरे को लाइटन करता है अगर आपकी स्किन डार्क हो चुकी है टैन हो चुका है पिगमेंटेशन है या आपके चेहरे पे पिंपल एक्ने के मार्क्स हैं स्कार्स हैं तो उन्हें रिड्यूस करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है एंड अगर नहीं है तो फिर ऑप्शनल है और उसके बाद हम उसमें कद्दूकस किया हुआ गाजर एंड बीट रूट ऐड कर देंगे अब हमें इसे लो फ्लेम पे करीब फाइव से सिक्स मिनट के लिए प्रिपेयर करना है आप इस तरीके से स्टेयर करते रहिए ताकि इक्वली ये अच्छे से पक जाए लेकिन हमें इसे लो फ्लेम पे ही रेडी करना है बिकॉज हमने बहुत कम ऑयल यूज़ किया है तो ये थोड़ी देर बाद जल सकता है तो इसलिए फ्लेम को लो रखें और सात से आठ मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दें जब ये ठंडा हो जाए तो एक छन्नी का इस्तेमाल करती हो आपको इस तरीके से स्पून से प्रेस राइज करना है ताकि आपका ऑयल सेपरेट हो जाए बिकॉज सारा ऑयल आपका इसमें एब्जॉर्ब हो चुका होगा तो जब आप स्पून के थ्रू इस तरीके से दबाव डालोगे तो आपका ऑयल सेपरेट हो जाएगा नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे वन टेबल स्पून ग्लिसरीन यानी कि नेचुरल हालोरोनिक एसिड ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा और हमारे स्किन को बिल्कुल स्मूथ ग्लोइंग ग्लास लाइक लुक भी प्रोवाइड करेगा तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस तरीके से स्मॉल बॉटल में स्टोर कर करके रख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे घर में आते हैं मेडिसिन आती हैं जिनकी बॉटल्स खाली होती हैं ड्रॉपर वाली बॉटल होती है तो आप इस तरीके से स्टोर कर लीजिए एंड अब हमारा डीआईवाई सीरम रेडी है जो कि बिल्कुल नेचुरल एंड सेफ़ है स्किन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है जो भी आप मार्केट वाला सीरम लेके आते हैं आपको नहीं पता होता कि इसमें कौन से इन्ग्रीडियंट यूज़ किए गए हैं उस पर लिखा होता है नेचुरल बट वो नेचुरल है या नहीं हमें नहीं पता ये सीरम आपकी स्किन को बिल्कुल ब्राइटन एंड ग्लोइंग कर देगा आप चाहे इसे डे में अप्लाई करें या नाइट में अप्लाई करें और बहुत कम क्वांटिटी में अप्लाई करना है ये हर टाइप की स्किन के लिए सुटेबल है बस आपको बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपनी स्किन पे अप्लाई करना है तो ये रहा हमारा फाइनल स्टेप एंड अब हम हल्का सा अपने लिप्स को भी हाइड्रेट कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे अपना लिप बाम अप्लाई कर लिया एंड अब मेरा एक छोटा सा स्टेप और है क्योंकि स्किन को तो मैंने क्लीन कर लिया है मुझे अपना स्ट्रेस भी कम करना है बॉडी को डिटॉक्स करना है तो इसके लिए मैं लेती हूँ अपनी ग्रीन टी जो कि मैं इवनिंग में लेती हूँ मॉर्निंग में कभी भी ग्रीन टी नहीं लेना चाहिए बिकॉज़ इससे फिर हमारे स्टमक में पूरा दिन जलन ऐठन या एसिडिटी बनती है तो इसलिए इवनिंग में लें और खाना खाने के एक घंटे बाद लें तो मेरी ग्रीन टी तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है और अब मैं इसे ले जाऊँगी अपने गार्डन में आई मीन अपनी बालकनी में जिसे मैंने पूरा गार्डन की तरह डेकोर्ट कर रखा है अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मुझे प्लांट का बहुत बहुत शौक़ है मेरी बालकनी में सारी मेरे घर के अंदर भी प्लांट हैं एंड यहीं पर फिर मैं बैठ के अपनी ग्रीन टी को इन्जॉय करती हूँ साथ में जो भी आस होता है वो मैं देखती रहती हूँ एंड यहाँ पर मेरी फिर इवनिंग बीत जाती है उसके बाद फिर मेरा नाइट रूटीन घर का या फिर जो भी स्किन केयर है या जिम का रूटीन स्टार्ट होता है तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी अगर आप इसे अपना प्यार दोगे तो तो ये था हमारा पूरा इवनिंग का आई I मीन mean, मेरा स्किन केयर रूटीन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया तीनों ही प्रोडक्ट हमारे डी हैं तो आप घर पर प्रिपेयर कर सकते हो स्टोर करके रख सकते हो एंड डेली आप उन्हें यूज़ कर सकते हो सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कॉमेंट करके बताना अपना टॉपिक और हाँ कॉमेंट जरूर किया करिए तभी मुझे लगेगा कि आप मेरी वीडियो का रिस्पॉन्स दे रहे हैं थैंक्स टू वॉच वीडियो लव योर लो बाय